Hello, our viewers. Today, we have with us Dr. K.K. Upadhyay. He's a CSR visionary, a global change maker, and has 4 decades of experience into CSR landscape. So, we just want to know how the seed of social development germinated into you. First of all, thanks a lot for this question and coming to me. This just happened. हम लोगों ने जो जिंदगी शुरू की, I belong to a very small town in Himachal Pradesh. फिर मैं वेटनरी में गया. मुझे लगा कि शायद मैं वो नहीं कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए. So I joined IRMA. And that's how social work started. Working with Dr. Varghese Kurien, who has been pioneer in milk field. We started working with the people. The one thing I learned from him was, if you want to change life of people, work with them. That's what we did in fruits and vegetables also. हमने मदर डेयरी सफल बनाया, जहाँ पे हमने जो हमारे प्रोड्यूसर्स थे उनको डायरेक्टली कंज्यूमर से जोड़ा. और यही काम हमने बस्तर में किया. मैं आदिवासियों के बीच में रहा, मुझे अच्छा लगा उनको देख के. लेकिन कहीं पे ऐसा लगा कि एक बाहरी पंखी जो होती है, बींग आउटसाइडर, दैट टाइप ऑफ फीलिंग वॉज देयर. उसके लिए हमने वहां से लोगों को लिया, हमने ट्राइबल गर्ल्स को ट्रेन किया, उन्हें गवर्नमेंट जॉब दिया, और वो प्रोजेक्ट आज भी चल रहा है 20 साल बाद. और मुझे यही लगा कि हम रोज सीखते रहते हैं. आज भी मैं आपसे यहाँ सीखने के लिए आया हूँ, मुझे अच्छा लगा आप आए. Sir, you've been a veteran when it comes to CSR landscape. So, आज के बदलते हुए वक्त में आप क्या बताएंगे कि कहाँ पहुँचा CSR? अगर आप CSR की बात करें, तो हम हमेशा से अच्छे कार्यों के लिए कार्य करते रहे हैं. चाहे वो हमारे ऋग्वेदा के टाइम का हो, चाहे हमारे किसी भी धर्म में आप ले लीजिए, हमारे यहाँ देने की परंपरा रही है. और देने की परंपरा में जब बिजनेस उसमें आया, तो ये हुआ कि उन्होंने समाज के लिए अच्छा कार्य करने की हमेशा से पहल की. चाहे वो टाटाज हो, बिरलाज हो, ITC हो, कोई सा भी घराना हो, हमारे यहाँ ये जो है घरानों से चल रहा था. लेकिन जब सरकार ने देखा कि हमारी जो जरूरतें हैं वो हमारी बहुत ज़्यादा हैं, और सरकार सभी जगह समय पर नहीं पहुँच सकती, इसलिए यह सोचा गया कि बिजनेस को जो है वो सोशल वर्क से जोड़ा जाए. इसलिए सरकार ने 2014 में इसे मैंडेटरी किया. और आज 2021 में हुआ क्या कि सरकार ने ये कहा कि अगर आप स्पेंड नहीं करते हैं तो ये पैसा आपको या तो अगले 3 साल में खर्च कीजिए, या आप इसे सरकार द्वारा दिए गए फंड में इसे दे दीजिए. तो इससे ये परिवेश बहुत बदला. बहुत सारे, अब तो करीब करीब सारे ही जो घराने हैं, सारे बिजनेस, चाहे वो हमारे देश के हों या MNCs हों, दे आर स्पेंडिंग ऑन CSR. सो लॉट ऑफ मनी हैज कम इन एंड इज मूविंग टुवर्ड्स स्ट्रेटेजिक CSR नाउ. सो दे आर स्पेंडिंग इन ए वेरी सिस्टमेटिक, इन ए प्रोजेक्ट वे फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल. सर, जैसे आपने बताया कि CSR लैंडस्केप इज इवॉल्विंग, और हम इतने पुराने टाइम से गिविंग का ट्रेडिशन है, लोग देते हैं, तो हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि क्या थीमेटिक एरियाज हैं जिसपे CSRs का, MNCs का फोकस रहता है? देखिए, परिवेश बदला है. विशेष तौर पे कोविड के टाइम पे करीब करीब 50% मनी जो है दैट हैज गॉन टू कोविड, चाहे वो PM केयर फंड में हो या कोविड रिलेटेड एक्टिविटीज में हो. लेकिन CSR में हमेशा से एजुकेशन, हेल्थ मेजर इश्यूज रहे हैं. उसके अलावा कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो लोगों के बहुत क्लोज टू देयर हार्ट हैं, जैसे वर्किंग विद पीपल विद डिसेबिलिटी, लेप्रोसी के लोगों के साथ काम करना. तो ये बहुत सारा जो है, बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो इस क्षेत्र में अब काम करना चाहती हैं. तो सर, जैसे आपने कुछ रोग का नाम दिया, लेप्रेसी का नाम दिया, और लेप्रेसी एक बहुत ही ओवरलुक्ड कॉज है, हम कैसे CSRs को मोटिवेट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इस कॉज की तरफ आएं,
और हमारे साथ जुड़ें। देखिए, दो चीजें बहुत आवश्यक होती हैं। पहला, आपके पास एक कहानी हो जो लोगों के दिलों को छू सके, और दूसरा, आप उन तक पहुंचे। किसी शायर ने कहा है कि लगाए रहिए बातों में, लगाए रहिए बातों में, खुल जाएंगे दो चार मुलाकातों में। तो सबसे आवश्यक यह है कि हम उन्हें मिलें, हम उन्हें इसके बारे में बताएं और उनके साथ टच में रहें ताकि वो हमें सपोर्ट कर सके। तो सर, जैसे आपने बोला कि कहानी चाहिए, दिलों को छूने के लिए कहानी चाहिए, तो हम जानना चाहेंगे कि कहानी में क्या। देखिए, एक चीज तो बहुत क्लियर हो गई है इस पैंडेमिक के बाद कि ये प्रश्न आजीविका का है। आज बहुत सारे लोगों के जॉब्स चले गए हैं, बहुत सारे लोगों के, इट्स नॉट क्वेश्चन ऑफ ओनली अनएम्प्लॉयमेंट, इट्स ऑल्सो ए क्वेश्चन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। और खास तौर पे जो लोग पहले से ही सफर कर रहे थे, चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे वो एक अनहाइजीनिक जगह में रहना हो, उनके लिए सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो है आजीविका का, लाइवलीहुड, कि वो कहाँ से अपनी रोजी रोटी कमाएं। वेयर डू दे मीट द टू एंड्स मीट, ये एक प्रश्न है जिसका हमें उत्तर ढूंढना है। तो अगर आप उसकी बात करें, उनको जोड़ें उसके साथ और उन लोगों को उस जगह पे विजिट करवाएं, तो उन्हें पता लगेगा कि हमें क्या चाहिए, तब वो अपने आप हमारी सहायता करने आएंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे और हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सर, जैसे आपने बताया कि हमारे व्यूअर्स को आपने अभी बताया कि लाइवलीहुड एक बहुत बहुत, जैसे पैंडेमिक में भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया था कि क्या करें। सो अभी आगे बढ़ते हुए टाइम में What will be the way forward? कैसे आगे जाएं? दो चीजें बहुत आवश्यक हैं। पहला, हमारे पास एक कॉज है और हम एक पर्पस ढूंढ रहे हैं उसमें। जो आवश्यकता है वो है लोगों को उससे जोड़ने की। हम अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें ताकि एक साल बाद, दो साल बाद हम ये कह सकें कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। ये बात है कारवां बनाने की, ये बात है सबको अपने साथ जोड़ने की जी। ताकि हम सब मिलके कुछ रोग के खिलाफ लड़ सकें और एक सॉल्यूशन ढूंढ सकें। आज हमें जो ढूंढना है वो सॉल्यूशन है, समस्या नहीं जी। हर समस्या का एक समाधान है। आइए मिलजुल के हम लोग इस समस्या का समाधान ढूंढे, आगे बढ़े और कुष्ठ मुक्त भारत बनाए। सर, आप हमारे व्यूअर्स को इस इंटरव्यू के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा आपसे अनुरोध है कि इस कॉज के लिए हमसे जुड़िए। आप जब भी चाहें NRR इंडिया की वेबसाइट पे जाके आप हमसे जुड़ सकते हैं। आइए मिलजुल के काम करें और इस रोग को भारत से अलविदा कहें, ताकि आप भी खुश रह सकें और हम भी खुश रह सकें और ये लगे कि जीवन में हमने कुछ किया है। धन्यवाद।